विश्व में कृषि का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता का। पाषाण युग से ही मानव जंगली जानवरों का शिकार करके जंगली कंद, मूल, फलों आदि की सहायता से अपना पेट भरता था। उस समय के मिले खुदाई के पत्थर के औजार इस बात का प्रमाण है। मध्य पाषाण युग में मानव ने छोटे छोटे समूहों में रहना और बीज की सहायता से अन्न उपजाना सीख लिया था। उनके औजार और अधिक उन्नत हो गए थे। नवपाषाण युग के आते आते मानव छोटे छोटे समूहों में मिलकर कृषि कार्य करने लगा था। इस युग में मानव ने घर बनाना सीख लिया था, पशुओं को पालना और अन्न उगाना भी सीख लिया था। मानव अपने उपजाए अन्न को अपने ही बनाए मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में सुरक्षित संभाल कर रखता था। इसके बाद ताम्र युग के आते ही मानव कृषि कार्य में क्रांति आ गई। तांबे के आविष्कार ने मानव का जीवन ही बदल दिया और सिंधु घाटी सभ्यताओं के उदय के साथ ही मानव सभ्य समाज में रहने लगे। कई कलाओं का विकास हुआ। मानव ने बड़े पैमाने पर अन्न उपजाकर आपस में अन्न का विनिमय करना सीख लिया और ऋग्वैदिक काल में आर्यों के आगमन के साथ ही भारत में कृषि का वैज्ञानिक ज्ञान आया। ऋग्वेद, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता सब में कृषि के तकनीकी ज्ञान का बहुत बारीकी से वर्णन है। महाकाव्य काल में तो बहुत से राजा महाराजा भी कृषि वैज्ञानिक हुआ करते थे। बुद्ध काल के आरंभ के साथ ही कृषि का व्यापार देश विदेश से होने लगा और मौर्य और गुप्त काल में भी हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि कार्य ही था और एक कृषक को समाज में सर्वोच्च आदरणीय स्थान दिया जाता था। मध्यकाल में राजाओं ने कृषि पर कर लागू करने शुरू कर दिए और जमींदारी प्रथा का आरंभ हुआ और इसके बाद ब्रिटिश काल में एक सोची समझी रणनीति के तहत हमारी कृषि और गौ माता के उन्मूलन का कार्य आरंभ हो गया। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में केमिकल्स के प्रयोग के बाद से तो हमारी कृषि विनाश की ओर अग्रसर।